Now I welcome Nirmala Sitharaman, first woman Union Minister of Defence Government of India, to address the August House and enlighten us regarding national security. I just can't tell you how emotionally charged when I hear Vande Mataram in the world. I thought those words resonate so much of nationalism, and that was used by everyone in this country without hesitation during the freedom movement. And after that, strictly after that, post-independence, every time Vande Mataram was mentioned, graced as a slogan, in our school days, we used to be so touched. It has so much in it. It still has so much. It can move most of us to tears. And in this man, saying it has even more a strong vibration. And I just can't tell you how fortunate I feel here. Dr. Anirban Ganguly, Dr. Sopandas Gupta, Dr. Subhash Sarkar, Devashri Chaudhary, and Dr. Pankaj Kumar Roy. But most importantly, आज की बंगाल में जिस भय के वातावरण में आप जब हर रोज जी रही हो, मेरे सामने इतनी बंगाल में कोलकाता में लोग आए हैं सर झुक करके आपका नाम बताया. मैं कहां से शुरू करूं? मन में तो इतना है बोलने के आपके सामने, क्योंकि बंगाल बचपन से, और शायद मेरे माताजी और उनके मेरे नानी जी के समय से, मेरे जैसे परिवार साउथ में बंगाल से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते थे. वो नेशनलिस्टिक फीलिंग हो, लेख हो, या एक भक्ति मूवमेंट हो, और इधर के संप्रदाय वेशभूष हो, भारत के ऊपर एकदम अच्छा सा छवि और उससे प्रेरणा लेने वाले इस बंगाल की धरती में आने के लिए मैं सचमुच गौरव हूं. आप या डॉक्टर अनिरबन, रानी झांसी रेजिमेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिक्र करते हुए मुझे बात करना, मैं कहीं नहीं हूं उस स्तर पर, मगर वही है बंगाल की वो ताकत, बंगाल की वो धरती के माटी के खुशबू. मगर ये क्या हो गया है आज? ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वेच्छता से आप सोच विचार करके जो आज आप सोचते हो, इधर पूरे भारत कल सोचते हैं, ऐसे तो कहा जाता है ना, ऐसे कहा जाता है ना, हाँ कि नहीं? बिल्कुल हाँ. फिर आज क्यों डर के मारे हम बैठे हैं? क्या हो गया बंगाल? हमें क्यों डर है? किससे डर है? जहां से नेशनलिज्म पैदा होता है, जहां से बातें होते हैं कि भारत की एकता के ऊपर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वातावरण में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में जाकर के इस भारत को इकट्ठा रखने के लिए कोशिश किए और बलिदान दिए, उस बंगाल में पाया,
बंगाल से प्रश्न उठता है कि नेशनलिज्म क्या चीज है, उस बंगाल से शक पैदा होता है नेशनलिज्म क्या होगा? नहीं, आप कोई भी इसको एक्सेप्ट कर नहीं सकते। बंगाल में क्या हो गया? जो बंगाल का डीएनए है भारत के लिए सोचना, और जब भी मैं अंडमान निकोबार जाती हूं, जब भी जाती हूं, जो काला पानी हिंदी में बोलते हैं सेलुलर जेल, जाओ हर सेल में एक बंगाल के सुपुत्र के नाम है। पूरे सेल में ज्यादा नाम, ज्यादा से ज्यादा किनका नाम है? इस धरती के पुत्र के नाम। ऐसे शौर्य दिखाने वाले, ऐसे चिंता सोच दिखाने वाले बंगाल में आज क्यों, क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रही। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं दिल्ली में सरकार क्या करती है, हर राज्य के लिए, चाहे वो ब्लू कलर का पार्टी हो, लाल कलर का पार्टी हो, ग्रीन कलर का पार्टी हो, प्रणाली करते हुए सबके लिए, सबके साथ सबका विकास करने के लिए स्वपन जी, अच्छा स्वपन दास जी, अच्छा उदाहरण दिया, जो क्लासिक उदाहरण, सब आयुष्मान भारत के तहत और सब भारतीय उनके जीवन काल में उनके हेल्थ के लिए कष्ट ना होता है, इसीलिए अच्छा सा स्कीम 5 लाख तक प्रति साल आपका ट्रीटमेंट के लिए एक इंश्योरेंस केस की बनाता है, जिसमें आप कुछ भी नहीं देना, सरकार पूरे आपके लिए देती है। अगर आपके परिवार में बच्चा हो, आपके पुरुष हो, श्रीमती हो, कोई भी हो, हॉस्पिटल में जाओ, इलाज ले लो, 1500 के करीब इलाज रोग के लिए मिलता है। उसको बंगाल की जनता को पहुंचाने में दिक्कत है, क्यों हुई? परिवर्तन बोलते थे ना, परिवर्तन चाहिए, इसीलिए टीएमसी को तो हम आएंगे, बंगाल के परिवर्तन होगा, क्योंकि 30 साल कम्युनिस्ट के राज्य में पब्लिक इधर दुख में थे, मगर आज परिवर्तन नहीं, कॉपी हुई है कम्युनिस्ट के राज्य के इधर। एक बैड क्लोनिंग हो गया है टीएमसी, एक क्लोन है, सचमुच उनके अपने आइडियोलॉजी नहीं, सोच नहीं, जनता के लिए सेंसिटिव फीलिंग नहीं, मगर कम्युनिस्ट के पद्धति के पूरे कॉपी करके एक क्लोन है आज राइटर्स बिल्डिंग में बैठे हुए। ऐसे क्लोन के लिए आपने वोट दिया है क्या? इसे पूर्व क्लोनिंग के लिए वोट दिया है क्या? जो क्लोन आज जनता के हित में नहीं काम कर रही है, जिनको ताकत दे खड़े उम्र के बात करने के लिए, उनको खत्म करो, पब्लिकली मार पिटाई करो, खत्म करो, खून करो, परवाह नहीं, मगर हम राज करेंगे। ये क्या है? जनता के लिए सोचने के लिए कुछ भी नहीं, मगर गुस्सा बार बार, हर विषय में गुस्सा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारत सरकार के खिलाफ फिरंगी जब हमारे राष्ट्रपति थे, तब हम सब नॉन कोऑपरेशन किए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, मगर नॉन कोऑपरेशन अभी दीदी कर रही है किसके खिलाफ? हमारे भारत सरकार, हमारे सरकार के खिलाफ। ये कौन सा राजनीति होता है? विदेशी से बना, उनको बनाने के लिए, उनको देश से हटाने के लिए कुछ इंडिया मूवमेंट हुआ, नॉन कोऑपरेशन हुआ, मगर ये क्या हमारे अपने सरकार के खिलाफ? क्यों बंगाली वोट देते हैं पार्लियामेंट को, एमपी चुनने के लिए?
आप चुनकर भेजते हैं ना एमपीस, लोकसभा में बैठते हैं ना एमपीस फ्रॉम बंगाल, फिर इधर से सरकार क्यों केंद्र सरकार के खिलाफ? केंद्र सरकार दूसरी ओर देश का सत्ता है क्या? बहुत दुख लगता है जब आप सोचते हो कि बंगाल में क्या हो। एक और उदाहरण लेते हैं, पंचायत चुनाव के समय बहुत संतोष से आनंद से कोई बोल रहे 30% पंचायत के क्षेत्र में अनकंटेस्टेड जीत गया टीवीसी। अनकंटेस्टेड क्यों भाई? जनता डेमोक्रेसी में भाग लेना चाहती है, कंटेस्ट करना चाहती है और जनता जिनको चाहते हैं उनको वोट देते हैं, मगर कंटेस्ट ही नहीं करवाना है, इसीलिए उनको पोलिंग बूथ तक भी नहीं आने दिया। और जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन सही है, थ्रू हाई कोर्ट ऑर्डर ऑब्टेन्ड सो दैट द कैंडिडेट कैन फाइल नॉमिनेशन थ्रू व्हाट्सएप एंड अदर थिंग्स, सो दैट बिकॉज इट कांट गो टू ऑफिस। व्हाट अ शेम, शर्म की बात है। कैंडिडेट पहुंचने पर नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचने पर इसीलिए हाईकोर्ट ने माना कि ठीक है, आप इंटरनेट के द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा जहां आप सुरक्षित हो वहां से आप कैबिंग करो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मगर हालात यही है जिस बंगाल में, जिस बंगाल से चिंता करने वाले, सोच विचार करने वाले, पूरे भारत को प्रेरित करने वाले रहने वाले बंगाल में आज चुनाव के लिए, कम से कम पंचायत चुनाव के लिए एप्लीकेशन दाखिला करने से भी लोगों को डराने वाली सरकार है इधर। और ये सरकार बार बार दिल्ली में जो नेशनलिस्टिक सरकार है उसके खिलाफ भाषण बोलते हैं, बारातों के बाद पुलवामा के बाद बारातों में जो अटैक हुआ भारत के स्वतंत्रता अखंडता और हमारे सार्वभौमिकता के सॉवरेनिटी को इंटैक्ट रखने के लिए एक कदम, टेररिज्म के खिलाफ कदम, उसको सबूत मत पूछिए, मान रहे हैं। जिस बंगाल से पूरे देश का नेशनलिज्म का प्रोत्साहन हुआ उधर से प्रूफ मांग रही है उस देश का सरकार के तरफ से, और जो बातें आपने इधर बोल रही हो वो पाकिस्तान में उपयोग में आना, पाकिस्तान को उपयोग में आने वाली बातें बोलने वाले बंगाल के नेतागण आज किसके तरफ के बातें कर रही हो? आप किस पक्ष में है? इस देश के पक्ष में पक्ष में है या हमारे विरोधी के पक्ष में? Helping our enemies? Are you giving support to their arguments? I just can't believe this is from Bengal. Is this the Bengal we know? Is this the Bengal where people freely have their culture, music? Unbelievable! Unbelievable! And what happened during 1947? How many Bengalis? How many people from this Bengal and from those who moved out of East Bengal suffered? How many of their women were raped? How many people were thrown, their bodies lying on the streets? Even today, even in today's social media, you get those pictures of Bengal then, Kolkata then. Can you forget it? Can you forget it? And you're helping that Pakistan? That Pakistan which even suppressed Bengali speaking people in Bangladesh now? It's unaccountable violence, shaming of India and not being with the nationalists. Nationalists ko sharam karne wale jaise conduct hai idhar ke neta ban. Communist ke raaj mein 30 साल बंगाल पीपल
Bengal spent 30 solid years under the communists. Because you believe that the idea of equality for all, idea of giving everybody their due, idea of work culture being respected, was valued. Mother, those were lost years for Bengal. Not one sector improved. Not one sector. Industry? No. Agriculture? No. Is there anything else in the tertiary sector? Nothing. 30 years of wasted years under the commons. And around that time, when Congress was struggling to come back to Bengal, every one of you will remember. Yaad hoga har ek ki aaj ki Bengal ki chief minister unke apne party ke yuva netagan ke dwara kitna apman jhela. She was affected and hurt and attacked by her own youth Congress workers. She saw violence. और मैं घर पे घर से ये भी बात बोलना चाहती हूँ कि महिला होते हुए एकदम दुर्गा जैसे युद्ध करते उनके पॉलिटिकल करियर बनाने वाले उनके करियर ऐसे बनाने वाले दीदी आज उसी हरकतें उसी वायलेंस को हमारे ऊपर क्यों कर रही है आज इस देश का हित सोचने वाले जनता हर एक के साथ रहना है नहीं जितने वायलेंस यूथ कांग्रेस के द्वारा कम्युनिस्ट के द्वारा उन्होंने उनके राजनीतिक करियर में सफर किया है उतना ही आज ऊपर सबके ऊपर डाल रही हो फिर सबक क्या सीखता सीखता राजनीति में What lessons have you learned, Madam Chief Minister? Is this the politics you want to do here, which you suffered under? You suffered under the violence of the communists, violence of some elements of the Congress, and you are repeating that? Is this paribartan? Is this paribartan? And those workers of BJP, those workers of RSS, who put up with the suffering, I tell you, hum aapke saath hain. Hum aapke saath hain. Aur Bengal mein sach much paribartan hum hi le aayenge. इंस्टीट्यूशन को रेस्पेक्ट करना डेमोक्रेसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है आज लोकल बॉडीज इलेक्शंस के बारे में हम बात की कितना वायलेंस फैलाया गया और उस वायलेंस के कारण आप में से और बाकी सब जनता से जिनको कंटेस्ट करने को इरादा था वो जाकर नॉमिनेशन तक फाइल करना मुश्किल समझा इसमें दूसरी और हम सोचते हैं कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ता है हम जाकर पुलिस स्टेशन में हमारे कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं कि भैया ऐसे हो गया प्लीज हमारी मदद करो हम भी इस देश का नागरिक हैं पड़ोसी ऐसे कर रहा है या तो कोई आए हमारे ऊपर कुछ एक्शन लिया आप कानूनन सही करो मगर बंगाल के पुलिस स्टेशन में पुलिसमैन नहीं रहता बंगाल के पुलिस स्टेशन में कम्युनिस्ट के राज में कैडर कार्ड होल्डिंग मेंबर रहता था परिवर्तन आएगा ये सोचे हमें इसीलिए ममता जी और टीएमसी को वोट दिलवाए मगर परिवर्तन ना होते हुए क्लोनिंग मैंने बोला पूर कॉपी हुआ आज भी पुलिस स्टेशन में टीएमसी के कार्यकर्ता शायद वो जो कम्युनिस्ट से आए हैं कार्ड होल्डिंग मगर टीएमसी मेंबर वर्दी पहन करके कानून व्यवस्था देखभाल कर रहा है ये है बंगाल और अगर ये बंगाल है पार्टी के
छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के हाथ में लाठी दे दो, वो लोकड़ी मनमानी करते ठेकेदारी करेगा। आप भी क्योंकि बंगाल में इतने सालों से कम्युनिस्ट के राज भी थे और पूरे भारत देश के सोशलिस्ट के राज जो मैडम गांधी इंदिरा गांधी के समय बहुत उत्साहित रूप में गया, उस समय हम सब पढ़ते थे कि सोवियत यूनियन में स्टालिन के राज में कार होल्डिंग कम्युनिस्ट और उनके केजीबी के एजेंट चलाते थे लॉ एंड ऑर्डर। भारत कब से केजीबी जैसे बन गया, सोवियत यूनियन जैसे बन गया? कभी नहीं बना। मगर बंगाल में तो यही प्रैक्टिस हो रही है, कम्युनिस्ट हो टीएमसी हो पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस मैन नहीं, कार्यकर्ता जो कार्ड होल्डर है उनके हाथ में लाठी है वो चलाता है पुलिस स्टेशन। ये क्या भारत देश है, ये कौन सा भारत देश है? इसके लिए हमने फ्रीडम इधर से इतना चिंता करके स्ट्रगल किया, सब गोरा को बेच दिया, फिरंगियों को बेच दिया, मगर ये कौन मांगे स्टालिन के पुत्र? इसका एक उदाहरण देख लीजिए, मैं समझ नहीं पाया। कैंपेन हो रही इधर, जब भी जहां भी भारत देश में कैंपेन होते हैं दूसरे देश दूसरे प्रांतों से उनके लीडर्स आते हैं, नेशनल पार्टी के लीडर्स आते हैं, आज चाहे ना चाहे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और उस पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं बंगाल में कैंपेन करने के लिए। दीदी हकील गई, ये क्या हो रही है? अरे हमारे चुनाव के लिए नेशनल सबसे बड़ा पार्टी के नेतागण आ रहे हैं? नहीं, मैं तो चला रही स्टालिन जैसे ठेकेदारी देख करके उनके एरोप्लेन को उतरने नहीं दी। क्यों आप इतना डरने के लिए क्या है जी? आप तो पूरे मेजोरिटी लेकर के चला रही हो बंगाल, क्यों डर रही हो? वो आने में आपको क्या नुकसान है? आकर वो क्या बात करेंगे? यही ना कि जनता वोट करना चाहिए, हमें वोट दो, हमारे पार्टी अच्छे काम करेगा, इसमें आपको आपत्ति क्या है? इतने डरे हुए चीफ मिनिस्टर बंगाल, नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको रोकने के लिए हर मोमेंट तड़प कर, नहीं उधर बैठो पोजीशन ना दो, ये क्या हालत है? इतना इनसिक्योरिटी भी क्यों है जी? आप तो इधर मुख्यमंत्री है, आप किससे डर रहे हो? अभी भी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं बंगाल में, मैं ये जरूर कह सकती हूं चुनाव से पहले ही इसको मैं बोलने वाली थी, बंगाल में इस हालात देख करके कोई पूंजी निवेश करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बंगाल में आना नहीं चाह रहा। आप चाहे कितने भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट वगैरह रखो, बंगाल में आ जाने के लिए लोग डर रहे हैं क्योंकि वातावरण इतना बिगड़ गए और इनके साथ तालमेल रखने के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं है, मगर ये ऊपर से बोल रहे हैं कि मैं मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं बंगाल पर चलाता हूं। इनके साथ तालमेल रखने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि डर रहे हैं कि क्या बात करेगी अगले। इसके लीडरशिप क्वालिटी इज कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी इज टू टेक केयर ऑफ पीपल एंड देयर नीड्स, leadership quality is also to look futuristic and say what will Bengal need, my people will have to prosper, I'll have to work for them, not to have quarrels, not to have everyday fisticuffs, not to finish opposition and not to appear as if you're against your own government of India. That's not leadership. Nobody wants to come and invest in Bengal. You can show figures, this time global investment summit I had so and so, all big names, but when you talk of Prime Minister Modi you will say
सूट बोर्ड के सरकार यू ओनली डू फॉर बिग इंडस्ट्रीज यू वांट बिग इंडस्ट्रीज टू कम एंड इन्वेस्ट इन बंगाल तब क्या होता है सूट बोर्ड का सरकार कौन है आप हो एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी बी इट इन्वेस्टर्स बी इट इंडस्ट्रीज बंगाल वाज नोन फॉर इंडस्ट्रीज वी यूज्ड टू थिंक हाउ बिग इंडस्ट्रीज आर ऑल इन कोलकाता अराउंड दुर्गापुर I can name industrial centers of Bengal from childhood. All of us used to say, wow, what is happening in the world? Look at it, rich in agriculture, rich in industry. Aaj koi idhar rehne ke liye saahas nahi kar rahe hain. Why am I breathe ke aisa bhai, mere project kya hoga, my capital, will I be able to get anything out of it? Then how will jobs come to Bengal? Isiliye, main aap sab ke dwara ये रिक्वेस्ट करनी है हाँ एटमॉस्फेयर बहुत ही खराब है क्योंकि इतना भय के साथ पुलिस स्टेशन उनके कार्यकर्ता के साथ चलाने वाले इस सरकार के खिलाफ खड़े होकर के कंटेस्ट करने के लिए साहस करना बहुत ही धीरज की बात है अंदर से कॉन्फिडेंस की बात है मगर बंगाल में उस कॉन्फिडेंस अब तक मरा नहीं है मेरे सामने है कॉन्फिडेंस मेरे सामने और राष्ट्र पार्टी की ओर से मैं ये बोलने आया हूं आपके साथ हैं हम अध्यक्ष जी अमित शाह जी बार बार बोलते हैं बंगाल की यूनिट के ऊपर हम ध्यान देना चाहिए देंगे बिल्कुल देंगे और लोकसभा के चुनाव के द्वारा आप देश हित में नेशनल सिक्योरिटी को मन में रखते हुए आप सब खड़े होना ही चाहिए आप सब खड़े होना ही चाहिए क्योंकि स्वपन में अच्छा बात बोलो नेशनल सिक्योरिटी उसके ऊपर मैं कम बोली बंगाल के राजनीति के ऊपर ज्यादा बोल क्षमा करो नेशनल सिक्योरिटी मेरा टॉपिक है मगर उसके ऊपर कम बोल रही हूं क्योंकि स्वपन ने सही कहा जहां स्टेट के अंदर भी एकदम इतना उथल पुथल हो रही है जहां भय है जनता ही देश का सुरक्षा रखने वाले फोर्स है आर्म फोर्सेस जितने भी हो अगर हमारे अपने आपस में भी हमें डर का माहौल है जैसे इधर कंटेस्ट भी करने नहीं थे फिर नेशनल सुरक्षा के लिए वो बड़ा खतरनाक हालात होते हैं इधर से बहुत सारे डिस्टर्बेंस होने का संभावना हो जाता है अगर जनता भी खुद सिक्योरिटी के विषय में भय रखते हैं बालाकोट के बाद भारत देश स्पष्ट जनता को और पूरे दुनिया को एक मैसेज दिया संदेश दिया वो क्या है डायरेक्टली युद्ध नहीं हो रही है पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली युद्ध नहीं हो रही है हाँ सीज फायर वायलेशन होते रहे बॉर्डर पे आ रहे वो बंदूक चला रहे हमारे रिप्लाई होती है वगैरह उसके बाद में उससे ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान से प्रोत्साहन लेकर के नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब वर्दी पहन करके सोल्जर के नाम पर नहीं आते टेररिस्ट आते हैं मगर उनके साथ जो भी बंदूक है हैंड ग्रेनेड है फलना है वो सब पाकिस्तानी आर्मी दिए हुए चीज और माल उसके साथ जो आता है जैसे पुलवामा में हुआ अटैक हो जाता है टेररिज्म होता है पाकिस्तान के पॉलिसी ही ऐसे हो गया है कि डायरेक्टली युद्ध ना करो धीरे धीरे ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स को भेजो और उस नॉन स्टेट एक्टर्स को पूरे सपोर्ट पीछे से दे दो और भारत को हर कदम हर जगह पर टेररिस्ट के द्वारा अटैक करते रहो ये उनका स्टेट का पॉलिसी है और पुलवामा अटैक के बाद जहां एक ही बंदा वो जो उनके भाषा में बोलते हैं फिदायिन मतलब सुसाइड अटैक करता है खुद मर जाता है मगर आपको भय और नुकसान करके चले जाता है ऐसे फिदायिन को तैयार करने के लिए बालाकोट में बहुत सारे युवाओं को बुला बुला करके और पुराने
फिनाइन ट्रेनर्स को बुला करके उनको ट्रेनिंग दिलवाने के लिए बड़ा काम हो रहा था। इंटेल द्वारा इसके ऊपर पूरे हमें जानकारी मिली और हमें यह भी जानकारी जरूर मिली कि पुलवामा जैसे और ज्यादा अटैक भारत में होने वाले हैं आने वाले दिन। इसीलिए युद्ध के लिए नहीं, उन टेररिस्टों को जहां से वो पैदा होते हैं, जहां से उनका ट्रेनिंग होता है, टिक टाक सटीक उनको मार गिराया। ये कैसे संभव हुआ? इंटेल इंफॉर्मेशन के ऊपर अध्ययन करके हमारे प्रधानमंत्री जी स्पष्ट तरीके से उसके ऊपर बहुत सोच विचार करके ये काम, ये कदम आगे उठाए। क्यों उठाए? इससे पहले क्यों उठा नहीं पाए? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सत्कार क्यों नहीं किए? क्योंकि मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद भी आप कर सकते थे, नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया शायद पाकिस्तान पूरे दुनिया में ऐसे एक इंप्रेशन फैला था, उनके तरफ से वो कहानी बोलते जाते हैं कि हम भी न्यूक्लियर स्टेट है, भारत भी न्यूक्लियर स्टेट है, अगर भारत कुछ करता है हमारे खिलाफ भूल ना जाओ, हम न्यूक्लियर पावर है, नुकसान आपका होगा। ये तो फैलाते हैं टेररिस्ट के द्वारा, ऑफिशियली वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान के एक्शन नहीं है ना, क्योंकि वो आर्मी के द्वारा हुआ नहीं। मगर जब ऐसे टेररिस्ट के द्वारा नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ उनके द्वारा कुछ एक्शन होता है, हम उनके साथ ही लड़ते रहेंगे और पाकिस्तान हमें ऐसे ही लीड करते रहेगा, ऐसा उनका षड्यंत्र है। और बाहर नरेटिव ये है कि भारत इसका हमें जवाब देने के लिए कोशिश किया तो हम भी न्यूक्लियर स्टेट है, याद रखो। ये था पाकिस्तान के लाइन, पाकिस्तान के लाइन यही था। और इसीलिए मैं समझती हूं, मैं गलत भी हो सकती हूं, मगर कुछ हुआ नहीं इसीलिए मैं समझती हूं, मैं सही ही सोच रही हूं। 2008 के बाद, मुंबई अटैक के बाद, उस समय के सरकार साहस नहीं किए कि सटीक जवाब पाकिस्तान को दो, चुपचाप बैठे, बयानबाजी दिए, जाके बात करेंगे, जाके उनसे ये कहेंगे, समझाएंगे, ठीक है वो सब करो हम भी करेंगे। मगर कितने दिन तक हम सहते रहेंगे टेररिस्ट के द्वारा जो होती है? आपके खिलाफ नहीं भाई, टेररिस्ट के साथ ही हम अटैक करें। और दुनिया में ये भी आप बोल रही हो कि हम भी विक्टिम है भाई टेररिज्म का, सिर्फ भारत नहीं, आप उनको पालन पोषण करके टेररिस्ट को पैदा कर रही हो आपके धरती में और उनको पूरे ट्रेनिंग दिलवा रही हो आपके धरती में और भेज रही हो भारत, मगर बाहर बोल रही हो कि हम भी पाकिस्तान, हम भी विक्टिम है। अगर आप विक्टिम है तो उनको भगा दो, उनको कानून सख्त एक्शन ले लो उनके ऊपर और उनके ठिकाने सब खत्म करो। नहीं, 2008 से भी नहीं किया, हमें इतने एविडेंस दिए उनको फिर भी एक्शन नहीं। पुलवामा के बाद भी हम एविडेंस के साथ उनको बोलते और उनके अपने देश ही खुद क्लेम किए हमने किया पुलवामा, फिर और क्या चाहिए? एक्शन लो क्यों? जो एक्शन पाकिस्तान ने लेना था वो ही एक्शन हमने उठाया। आप करने में हम करने का आवश्यकता नहीं होता, मगर हमने इसलिए किया जाकर टेररिस्ट का जो जगह जहां से पैदा होते हैं, जहां से उनका कुशलता मिलता है, वहां जाकर के इसलिए अटैक किया क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। आप विक्टिम है तो उसको क्यों अटैक करेंगे? बोलने के लिए विक्टिम है मगर आप ही उनको प्रोत्साहन दे करके भारत में भेज रहे। इसीलिए मोदी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो नहीं किया उसको कर दिखाया। चौकीदार के काम है
सटीक जवाब पाकिस्तान को दे पाया है, सटीक जवाब। और उस जवाब मिलने के बाद पाकिस्तान को हर बार डिनाइल दे रहे हैं, नहीं हमने हारा नहीं है, कारगिल में हमने हारा नहीं है, 71 में बांग्लादेश के युद्ध के समय हमें हारा नहीं है, मगर हमारे पास सामने अच्छा सा फोटो है जनरल मियां से सरेंडर करते हुए, नहीं तो वो भी निर्णय इंतजार करेंगे। 90,000 उनके सोल्जर्स पकड़ा गए, हमने उनको वापस भेज दिया पेश शरत अनकंडीशनल रिटर्न ऑफ POWs। मगर एक हमारे कानून विंग कमांडर को वापस भेजा और क्या बोलते हैं नोबल प्रेस को अधिकारी बन गए। 90,000 सोल्जर्स वे सेंट बैक अनकंडीशनली फ्रॉम इंडिया, बट नो यू सेंड बैक वन एंड यू हैव योर ओन आर्गुमेंट एंड अदर्स पासिंग अ रेजोल्यूशन सेइंग गुडविल पीस। ठीक है पाकिस्तान आपके नायक के ऊपर कुछ बोलते हैं मगर उसको तुरंत हमारे लोग इधर हमारे दोस्त लोग हैं जो कम्युनिस्ट के राज में वो भी राज करते थे, ऐसे ऐसे पत्रकार ऐसे थिंकर्स क्या बोलते थे, अरे वो तो स्टेट्समैन जैसे ये कर रहा है, मोदी जी आपने क्या कर दिया, वो स्टेट्समैन हो गए, एक बंदा हमारा पकड़ा गया उनको वापस ले रहे कानून वापस दे रही हो भैया। ऐसे लोगों के हर एक बयान को पाकिस्तान सुन चुन करके उनके टेलीविजन चैनल में दिखाए, सुन चुन करके हर एक हमारे विपक्ष का जिन जिन नेता दल भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के स्टेट्समैन को सपोर्ट करते हुए बात किए उनका स्टेटमेंट पूरे पाकिस्तान टेलीविजन चैनल में दिखाया और उनका पिलर में करे, अरे भारत में से हमारे लिए सपोर्ट आ रही किया तो उनका करते रहे। यही लोग है जी जो राफेल खरीदना चाहते नहीं थे, राफेल आने में हमारे एयरफोर्स को ताकत खा जाएगा, नहीं हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान अच्छा रहना चाहिए ना। ऐसे लोग के साथ हम आज स्ट्रगल कर रहे, पूरे देश में ऐसे लोग के साथ हम स्ट्रगल कर रहे, बंगाल में तो आप वायलेंटली स्ट्रगल में फंसे हुए हैं। ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, श्यामा प्रसाद रिसर्च फाउंडेशन जिनके द्वारा मुझे आज बुलाया गया, मैं इस मौका को उपयोग करते हुए सचमुच मन से ये बात कह इस पावन धरती बंगाल के धरती में खड़े होकर के मैं बोल रही हूं, बंगाल में हर नेशनलिस्ट उठो खड़े हो जाओ और इस भयभीत फैलाने वाले सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ, प्रश्न लड़ो हम आपके साथ। बंगाल में अच्छा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ही ले आएगा, आप ही हम भी हम सब भी इसका सेवक होंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे